हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो आज फिर से आ गया आपके लिए एक जबरदस्त एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है MKavacha 2। इस एप्लीकेशन के मदद से आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होता रहता है कि आपका मोबाइल में आप कोई भी ऐप डाउनलोड किए रहते तो ऑटोमेटिकली वो आपका डाटा कंज्यूम करता रहता, फिर आपका डाटा बचता नहीं, फिर आपका एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी ऐप डाउनलोड होते रहते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है एप्लीकेशन आप कभी डाउनलोड किए हो, फिर आपको कभी यूज़ करना है डाउनलोड होता है, फिर नोटिफिकेशन फालतू का आता है। तो आप वही प्रॉब्लम को वही आपका बिना आपका परमिशन के बिना आपका डाटा मतलब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, यूज़ होते रहता है, आप बैकग्राउंड में यूज़ होते रहता है, फिर आप बोलेंगे ये 1.5 नेट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा है, इतना फास्ट क्यों खत्म हो रहा है, फिर आपका बैटरी भी बहुत कंज्यूम होता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेशन आपके लिए बनाया। तो आपका मोबाइल इस एप्लीकेशन से बहुत सिक्योर बना सकते हो, वो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, फिर इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में जरूर इंस्टॉल होनी चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाया है, वो भी होना चाहिए क्योंकि अदर कंट्री का आप एप्लीकेशन यूज करते रहते हो उसी का अंदर क्या है क्या प्रॉब्लम रहता है, फिर डाटा एंट्री लेता है, फिर आपका मोबाइल भी का डाटा लेता है, फिर मोबाइल का बैटरी भी लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। वही प्रॉब्लम को आपको हिडन एप्लीकेशन भी रहता है, आपको बिना इंस्टॉल बिना आपको दिखाए आपका बैकग्राउंड में रन होते रहता है डाटा, फिर आपका मोबाइल में बिना नहीं चलता आपके डिवाइस में कितना ऐप इंस्टॉल है, अनइंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको पता चलने वाला है। इस एप्लीकेशन में पूरा आपको पता चलेगा हिडन ऐप कितना है, फिर फालतू का ऐप कौन सा है, फिर आपको नोटिफिकेशन हर बार आता तो वो नोटिफिकेशन फालतू कौन सा है, सब कुछ आपको इधर इस एप्लीकेशन में दिखाई देगा। तो आप सिंपल वे में जाके आप यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हो। तो आज इस एप्लीकेशन के MKavacha 2 आज इस एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू इस वीडियो में होने जा रहा है। तो आप भी जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो बिना चुकी एंड तक देखें। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सगर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल। कोई वीडियो पूरा वाच करना तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वाच कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के दोस्तों डायरेक्टली चलते मेरा मोबाइल स्क्रीन पर, देख सकते हो मेरा मोबाइल स्क्रीन। आने के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर में चलिए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च बार में इधर MKavacha टाइप करके सर्च कीजिए। तो चलिए मैं फटाफट सर्च करता हूँ, देख सकते हो सर्च करने वक्त फर्स्ट एप्लीकेशन आता है, देख सकते हो इस तरह से एप्लीकेशन है, फिर आप इधर देख सकते हो 3.9 का स्टार मिला, फिर डाउनलोड इतना लोग किए, फिर आप ये देख सकते हो इसका रिव्यू भी देख सकते हो, पूरा पूरा आप डाउनलोड भी देख सकते हो। तो आपका पूरा एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, आपको कुछ जानने का जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली चलते ओपन होते, ओपन करने के बाद आपको अलाउ देता है, परमिशन मांगने का देता है, परमिशन दे दी सिंपल में। परमिशन देने के बाद देख सकते हो इधर स्कैनिंग आता है, आप स्कैनिंग कर सकते हो, मतलब स्कैनिंग कर सकते हो कौन सा एप्लीकेशन में कितना वायरस पड़ा है, फिर आपका डाटा कितना कंज्यूम कर रहा है, सब कुछ एप्लीकेशन आपको शो करवा देगा, ये एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, फिर आपका एप्लीकेशन आपका डाटा कंज्यूम कर रहा है, फिर बैटरी भी आपका बहुत खा रहा है। तो आप सिंपल में सब एप्लीकेशन इधर स्कैन करवा सकते हो, सिंपल में देख सकते हो मेरा सब एप्लीकेशन स्कैन हो रहा है, थोड़ा समय लेता है तो ऑटोमेटिकली पूरा एप्लीकेशन शो होकर स्कैनिंग होता है। सिंपल में थोड़ा वेट कीजिए, आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। स्कैनिंग होने के बाद आपको देख सकते हो पूरा प्रॉब्लम हिडन से, हिडन ऐप का पूरा पूरा डिटेल आपको पता जाएगा कि आपका हिडन ऐप कौन सा है, फिर आपका एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ इधर दिखा देगा। तो अभी के लिए मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा दिया, तो अभी मैं सिंपल में क्लोज करता हूँ। तो इस तरह होम पेज आता, होम पेज आने के बाद देख सकते हो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपका डिवाइस में कोई कोई प्रॉब्लम है, हॉटस्पॉट ऑन है, फिर आपका पास आपके डिवाइस में जो जो हॉटस्पॉट ऑन है, प्ले स्टोर ऑन है, सब कुछ इधर ऑन ऑफ जो भी आपको इधर शो करवा देगा। तो आप सिंपल में इधर देख सकते हो ऑन ऑफ जो जो है, आप ऑन रखना चाहते हो ऑन रख सकते हो या ऑफ रखना चाहते हो ऑन ऑफ रख सकते हो। सिंपल में उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आप देख सकते हो पूरा इधर आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आप टर्म्स एंड कंडीशन में दिया, आप सिंपल में पढ़कर आपका डिवाइस में जो कंट्रोल कर सकते हो सिंपल में। तो अभी के लिए मेरा कोई भी डिवाइस में कोई भी ऐसा सीक्रेट कुछ भी ऑन नहीं है। तो आप पासवर्ड स्टेटस, तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हो, आपको जो भी एप्लीकेशन में जो अलग अलग पासवर्ड है तो सिंपल में लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए आपको हमने कोई जरूरत नहीं, तो चलिए बैक आते सिंपल में हिडन एप्लीकेशन है, उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में जितना हिडन आप मतलब आपको दिखाई नहीं देता फिर भी आपका एप्लीकेशन आपके डिवाइस में रन होते रहता है तो आपको पता नहीं, तो सिंपल में इस एप्लीकेशन में आपको दिखा देगा कि कितना हिडन ऐप है। देखो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई नहीं देता हिडन ऐप्स, तो हिडन ऐप्स इतना आपको शो करवा देगा पूरा का पूरा। बाद में
इधर आपको हिडन ऐप दिखाई देगा, आपको एप्लीकेशन कितना है वो दिखाई देगा। इसे देखा इधर सेटिंग है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सिंपल में सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन में कोई कोई आपको यूज नहीं करते हो, फालतू का एप्लीकेशन पड़ा है आपके बिना पता है, तो आप इधर से सिंपल में डिलीट भी कर सकते हो। देख सकते हो यह कोई यूज का नहीं, देखो ये एप्लीकेशन क्या काम है, ये एप्लीकेशन का कुछ काम नहीं। तो सिंपल में इस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इधर से आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो, फिर अनइंस्टॉल सिंपल में कर सकते हो। आपको जो जरूरत है आप उधर से कर सकते हो, यूज कर सकते हो, नहीं जरूरत है आप सिंपल में डिलीट कर सकते हो इधर से सिंपल में। देख सकते हो गाइस, फिर इधर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में, इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आपका डिवाइस में जो भी आपको एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेंजरस है तो आप इधर से इधर शो करवाता है ये एप्लीकेशन कि आपका ये डिवाइस में ये डेंजर एप्लीकेशन आपको डिलीट करना जरूरी है। तो आप भी मेरे डिवाइस में कोई भी नहीं, सब मैं क्लीन कर दिया, तो बैक आ जाइए। बैक आने बाद पर क्लिक कीजिए सिंपल में, इस ऑप्शन पर क्लिक करने बाद आप एक बार क्लीन कर लीजिए। देख सकते हो स्टार्ट है ना, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में, इस ऑप्शन पर क्लिक करने बाद आपका जो एप्लीकेशन में है कोई कोई वायरस रहता है, फिर आपको एप्लीकेशन में कितना वायरस है, फिर कितना लिमिटेड है, फालतू का डाटा लेता है, फिर फालतू का आपका डॉक्यूमेंट्स या अदर कोई भी डाटा लेकर आपको पता ही नहीं चलता कि डाटा दिए हो, फिर भी वो यूज़ होता ही रहता है आपके, आपको पता ही नहीं चलता। तो ये एप्लीकेशन आपको बता देगा ये एप्लीकेशन अनसिक्योर है, तो आप सिंपल में उस एप्लीकेशन आपको यूज़ नहीं तो डिलीट इधर से कर दो। मेरे पास जो डेंजर एप्लीकेशन है देख सकते हो, एक कैनवा है देख सकते हो, जो अनसिक्योर है वो कैनवा है, फिर ये एप्लीकेशन है, फिर ये एप्लीकेशन विडमेट, ये देख सकते हो सब अनसिक्योर एप्लीकेशन है। तो आपको ये एप्लीकेशन आपके पास जो भी एप्लीकेशन है सिंपल में आप इधर से क्लिक करके देख सकते हो, कैनवा ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, फिर आपको इंस्टॉल करना रखना है या यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इधर देख सकते हो पूरा रेड में शो होता है, तो 7 एप्लीकेशन अनसिक्योर है, फिर 52 एप्लीकेशन पूरा एकदम सिक्योर एप्लीकेशन है। तो आप सब इधर आपके हिसाब से देख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए इधर आने के बाद ये ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में ऐप स्टोरेज, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ देने के लिए पूछता है, आप सिंपल में आप जाके एप्लीकेशन को अलाउ दीजिए, परमिशन दे दीजिए। बाद आपका एप्लीकेशन में कोई भी स्टेटस है तो सिंपल में एक्टिविटी है तो आप एक्टिविटी समझ लेगा कि आपका एप्लीकेशन में क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है, फिर आपका डिवाइस में क्या क्या पीछे के बारे में डाटा एंट्री, फिर डाटा कोई कोई चोरी हो रहा है तो सिंपल में सब दिखा देता है, फिर डाटा यूजर्स देख सकते हो, फिर अपडेट आपका एप्लीकेशन अपडेट जो भी आया तो इधर शो करवाता है, फिर आप एप्लीकेशन का कुछ भी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इधर स्कैनिंग करके दिखा देता है जो भी एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल है, तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर ले सकते हो। तो चलिए बैक आ जाते हैं। डिवाइस में लॉक नहीं है, ऐप लॉक नहीं है, तो क्योंकि अभी सब डिवाइस में ऐप लॉक अवेलेबल है, तो कोई कोई ओल्ड डिवाइस रहता है उस पर ऐप लॉक नहीं रहता है, मतलब कंपनी की तरफ से नहीं मिलता, तो इस एप्लीकेशन में देख सकते हो आप एप्लीकेशन को भी लॉक लगा सकते हो। तो सिंपल में चलिए वो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करने बाद देख सकते हो इस तरह से ऑन कर सकते हो, मेरे डिवाइस में ऐप लॉक लगा दिया तो ये ऐप लॉक लिया है तो आप इधर शो नहीं करवा, तो आपके डिवाइस में है तो आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं हो तो आप सिंपल में ऐप लॉक इधर से यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो इस एप्लीकेशन में इतना ही था, आप इस एप्लीकेशन को जरूर यम कवच एप्लीकेशन के बारे में पूरा पता चल गया होगा, कुछ भी आपको मिस हो गया फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारा से कमेंट कर सकते हो, फिर आपको कुछ समझ आया, आपको वीडियो में कुछ भी आपको जानकारी आया बेनिफिट लेगा, फिर आपको कुछ तो फायदा मिला तो वीडियो को प्यारा से लाइक कर सकते हो। फिर इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे ही मजे से आपको रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट मिलता रहना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।